फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम ममता विश्वकर्मा ब्लॉग से आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा फेस पैक और स्क्रब दोनों एक साथ लाई हूँ ना कि इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसमें जो जो मैंने चीज़ें ऐड की है ना, आपको नॉर्मली आपके किचन में मिल जाएंगी। तो ये होममेड एक फेस पैक है कि आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है और इसका रिज़ल्ट है ना आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ों से मैं स्क्रब नहीं बनाने वाली और कुछ ज़्यादा चीज़ों से मैं पैक नहीं बनाने वाली, तो आप सोच सकते हो इसका रिज़ल्ट। और ये झटपट बनने वाला स्क्रब और पैक है जो कि आप झट से बना के आप झट से अपने फेस पर लगा सकते हो। तो स्क्रब और फेस पैक के बारे में बताने से पहले कि इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो सारी जानकारी देने से पहले, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ये फेस पैक और स्क्रब का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये फेस पैक और स्क्रब मैं इसके लिए लाई हूँ क्योंकि अभी आने वाले हैं त्योहारों के सीज़न, तो हमें अगर घर में अगर कुछ अपने फेस की केयर करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जो कि मैंने स्क्रब और पैक बनाया है। इस पैक को और स्क्रब को आप हफ्ते में एक बार स्क्रब कीजिए और इस पैक को आप दो दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आप लगा रहे हो, आपके फेस पे एक अलग सा रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत अच्छा ये फेस पैक और स्क्रब है और इसका रिज़ल्ट तो मैं सच बता रही हूँ। अगर आप देखोगे पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा ये स्क्रब का रिज़ल्ट कैसा है। और मेरे बोलने से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फ़र्क खुद ही पता चल जाए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पैक और स्क्रब बनाने के लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैसे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे स्क्रब की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच चावल का आटा। चावल का आटे से अब सभी जानते हैं हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। और यहाँ पे लिया है मैंने, जितना चावल का आटा लिया है उतना ही मैं लेने वाली हूँ मसूर दाल का पाउडर, जो कि ये मैंने घर में पीसा है। आप भी घर में पीसिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और इससे स्क्रब है ना आपके फेस पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप देख सकते हो पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सिर्फ इसमें एक चीज़, तो हम इसमें डालेंगे हनी। हनी यहाँ पे मुझे डेढ़ चम्मच लगा और अच्छे से मिक्स करके पैक को रेडी कर लेना है। हनी हनी से ही मैं स्क्रब करने वाली, हनी से आप जान सकते हो, हनी से हमारी स्किन टाइट होती है, ग्लो होता है, मॉइस्चराइजर का काम भी हनी करता है। तो यहाँ पे एक चम्मच मैंने पहले ही डाल लिया था और आधा चम्मच अब डालूँगी। और इसे मतलब टोटल हमें डेढ़ चम्मच हनी लगा है और हमारा स्क्रब बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके के स्क्रब हमारी रेडी हो चुके। तो चलिए स्क्रब तो रेडी हो चुका है, अब पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैक के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, बेसन भी सूट करता है, पर यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी लिया है। और उसके साथ साथ मैं डालने वाली हूँ दो पिंच हल्दी और मैंने यहाँ पे अम्बा हल्दी लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और पैक बनाने के लिए सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करने वाली हूँ, दूध। दूध आप कच्चा लीजिए या फिर एकदम ठंडा ठंडा फ्रिज में का दूध लीजिए और इससे पैक बना लीजिए। और यहाँ पे मुझे दो चम्मच लगे हैं, जैसे मैंने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया है तो दो से ढाई चम्मच मुझे दूध लिया है और पैक बनके मेरा रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो दोनों चीज़ मेरी रेडी हो चुकी है, पैक और स्क्रब दोनों। तो चलिए फेस पे लगाना कैसे वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा स्किन एकदम बिल्कुल भी ऐसा ग्लोइंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको फेस पे अच्छे से मसाज करना है और मसाज भी आपको दो से तीन मिनट तक तो स्क्रब करना ही, हल्के हाथों से। आपको अगर यहाँ पे ड्राई लग रहा है तो आप ना थोड़ा सा पानी ले लीजिए और हाथों पे डिप कर करके अपने फेस पे लगा लीजिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने भी थोड़ा थोड़ा पानी लिया है और अपने फेस पे लगा लिया है। लगा कि इस तरीके से स्क्रब करना है, एकदम ड्राई स्क्रब नहीं करना है। तो आप देख सकते हो मैंने पानी लगा लगा के अपने फेस पे अच्छे से मसाज किया। तो चलिए एक से दो मिनट तक हम मसाज कर लेते हैं। Thank you.
पे जो स्क्रब है मेरा हो चुका है, तो आप देख सकते हो रिजल्ट देखिए आपके सामने खुद आएगा आप अगर फेस वॉश कर लोगे तो। तो चलिए स्क्रब हो चुका है तो इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं, तो आप रिजल्ट देखिए आपको ऐसे देखने पे नहीं मालूम पड़ेगा, अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो इस तरीके से फेस को मैंने अच्छे से धो लिया है, तो चलिए फेस को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फेस है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो चलिए पैक लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से पैक स्क्रब और पैक लगा रहे हो ना, तो आपके छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं, जैसे हम सावन आ रहा है, तो हम इस तरीके से अपने फेस को अपने फेस की केयर कर सकते हैं घर में ही बहुत आसानी से। तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो इस तरीके से आपको मोटी लहर करके मुल्तानी मिट्टी से पैक लगा लेना, आप चाहे तो बेसन भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो पैक है इस तरीके से हमें मोटी लहर करके लगा लेना है। ये बहुत अच्छा ये स्क्रब और पैक है, आप ज़रूर ट्राई करोगे ना तो ही आपको रिज़ल्ट पता चलेगा, आपको मेरे बोलने से नहीं मालूम पड़ने वाला है। तो इस तरीके से पैक लगा लेना है। तो यहाँ पे जो पैक है ना हमें रखना है तब तक कि जब तक हमारा जो फेस पैक है वो ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 20 से 25 मिनट इस पैक को अपने फेस पे रखा और इसे अच्छे से ड्राई होने दिया है। ड्राई होने के बाद भी क्या करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत घरेलू मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया है पैक स्क्रब, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी सावन आ रहा है, आप इस तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकते हो। इस तरीके से पैक लगा के हो चुका है, तो यहाँ पे जो पैक है वो मेरा, तो आप देख सकते हो जो पैक है वो एकदम ड्राई हो चुका है। तो अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और रिज़ल्ट देखिए आपके सामने है। आप जब तक करोगे नहीं ना तो आपको फील महसूस नहीं होगा जो फील मुझे महसूस हो रहा है स्क्रब और पैक लगाने के बाद। तो चलिए फेस को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद देखिए मेरा फेस कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट हो चुका। हमारे जो नोज पे ब्लैक हेड होते हैं और पिंपल्स के छोटे छोटे दाने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे स्क्रब और पैक से। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका रिज़ल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, तो आप मेरे चेहरे पे फ़र्क खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लिया, तो चलिए एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। मैं इस पैक को रात में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसे एलोवेरा जेल लगा के मसाज करके अपने फेस पे छोड़ दूंगी और अगले मॉर्निंग ही मैं वॉश करूंगी अपने फेस को पानी से। तो आप देख सकते हो एलोवेरा जेल तब तक मसाज करना है ना जब तक हमारे जो एलोवेरा एकदम ड्राई नहीं हो जाता है फेस पे, तब तक मैं इसे मसाज करूंगी। और सच बता रही इसका रिज़ल्ट है ना आपको बहुत अच्छा आने वाला है। आप अगर इस तरीके से कुछ फंक्शन है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हफ्ते में एक बार इस पैक को स्क्रब और पैक दोनों इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में एक बार, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि हम स्क्रब तो रोज़ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रब की ज़रूरत है तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, फिर रिज़ल्ट देखिए आपकी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आ जाता है। तो मैंने इस तरीके से अपनी स्किन की केयर की हूँ और सावन के लिए खास करके मैंने ये पैक बनाया था स्क्रब और पैक। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये फेस पैक और स्क्रब का रिव्यू, कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी और मैंने कैसे कैसे आप लोगों को बताया उसी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए तो ही आपको रिज़ल्ट आएगा। और जो जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड की है अगर आपको सूट नहीं कर रही होगी तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे फेस पैक और स्क्रब के वीडियो डाले हैं, आप ज़रूर उसमें से ट्राई कीजिए। तो आप रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा आया है, मुझे तो बहुत अच्छा आया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा आएगा। अगर मेरा ये स्क्रब और फेस पैक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।